दो, ताहे उम्रा के दर्द हार हिला दो, धर्मा गुलामों का लहू सोजे यकी से, कुछ के फरमाया तो शाही से लड़ा दो, सुल्तानी जमहूर का आता है जमाना, जो नक्शे को हम तुमको नजर आए मिटा दो, जिस खेत से दे काठों यसर नहीं रोजी, उस खेत के हर खोशाए कंदम को चला दो, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा 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 दो। तो कलीसा से उठा दो, मंगराब से जुगे सनमारा बतवाफी, बेतर है चरागे हर मोदै बुझा दो, मैं ना खुशों बेजार हूँ मरमर की सिलों से, मेरे लिए मिट्टी का हर मौल बना दो, कैसी बेनवी कार कहे शीशा करा है, आधा बेजनू शायरे मशरिक को सिखा दो, तालियों की आवाज़ आई है माशाल्लाह। वैसे वाकई उठ भी गए, जाग भी गए। और ये जो आपने गरीबों की बात की, तो मैं सबसे ज़्यादा गरीब थी तो मैं सबसे पहले जागी हूँ, और गुर्बत भी जो है वो आज मेरी जाग गई, और ऐसी जागी के बीच में पार्टिसिपेट भी किया। पार्टिसिपेट क्या वाला है, अच्छा गा, मतलब जबरदस्ती का पार्टिसिपेंट जरूरी बनता ना, पार्ट बना। एनीवे, अब आपको पहले मैं बताती चलूं कि हमारी एक मेहमान थी, सुबह सुबह उन्होंने मैं टेंशन दी कि मैं नहीं आऊँगी, मगर हुआ ये कि एकदम से चलते हुए प्रोग्राम में उन्होंने देखा, वो प्रोग्राम तो बड़ा जो जा रहा है, तो क्यों ना मैं फिज़ा के प्रोग्राम में चली जाऊँ। तो फाइनली सुबह की फ़िज़ा में थोड़ा सा वो लेट उठी हैं, और अभी मेकअप रूम में है, मेकअप शेकअप हो रहा है, तो प्रोग्राम के एंड में हम आपको उनसे मिलवाएंगे। हमारी सरप्राइज गेस्ट हैं, फिल्म स्टार हैं बहुत बड़ी, जब नाम लेते हैं हम उनका बात जी तो लोग पहचान जाते हैं, पर एनीवे सरप्राइज गेस्ट हैं, तो इंतज़ार कीजिएगा प्रोग्राम के एंड में, कहीं नहीं जाइए भैया हम, क्योंकि आपके लिए बहुत कुछ लेकर आए। एनीवे, अब हमारा जो सेगमेंट है वो स्टार्ट होने जा रहा है, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ। मसला ये है, सेगमेंट है पर्दे में ना रहने दो, जो मेरे दोस्त हैं वो कोई भी चीज़ पर्दे में नहीं रहने देते, और उठा देते हैं पर्दे भाई, कहीं नहीं छोड़ते किसी को। एनीवे, तो प्लीज वेलकम मेरे और आपके दोस्त पर्दे में रहने दो एडी बैग। यस, रोमा 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 मेरी जंगली बिल्ली। ये कौन है? ऑफ द प्लेबल्स लिटिल हाउस इट। ये मैट्रिक्स रीलोडेड। वैसे हमारा सस्पेंस जो है हम दूर करते हैं, ये मुझे लग रहा है कि डॉन के ऊपर, डॉन 2 के ऊपर तब से बिल्कुल, लेकिन वैसे अभी ये ग्लासेस उतार दो वरना शायद मैं रानी मुखर्जी इन ब्लैक लगूं। या तो आज हमारे लिए डॉन 2 लेकर आए आप? बिल्कुल जी, आज डॉन 2 के ऊपर तबसरा है। डॉन 2 अभी लाइक 2 वीक्स पहले जो है रिलीज हुई है, थिएटर्स में हुई है। फरहान अख्तर ने बहुत अच्छी एक कोशिश की इसके अंदर, और डेफिनेटली शाहरुख खान, किंग खान इज द क्राइम बॉस, और हिज प्लेड रियली वेल। फर्स्ट हाफ से ज़्यादा बेहतर सेकेंड हाफ लगा,
और प्रियंका चोपड़ा हॉट एज एवर, उन्होंने क्या उसमें एक्टिंग की है, आई मीन शी इज डन रियली वेल. हमारी प्रियंका चोपड़ा एक ये है पाकिस्तान में, पता है मैं ये नॉर्मली भी बात करती हूँ पूनम जी, सच्ची में अगर हमारी प्रियंका चोपड़ा की बात करें तो इट्स ओनली रेचल जिसको शॉर्ट हेयर बड़े हेयर स्टाइल, मतलब सीरियसली आप रेचल का क्लोज करें और आप देखें. मैंने कहा था मेरी तारीफ करें है ना, ये रिश्वत दी है वैसे, किस काम आएगी, किस काम की, मैं सच्ची में. तो आगे चलते हैं. अच्छा जी, आगे ये कि प्रियंका चोपड़ा ने बड़ा ज़बरदस्त एक कैरेक्टर किया है उसमें, वो एक पुलिस ऑफिसर बनी है. ओमपुरी हैं वो जो उनको उनके बॉस होते हैं, तो ये एक मिशन के ऊपर निकलते हैं जिसमें होता है कि उन्होंने डॉन को गिरफ्तार करना होता है, लेकिन डॉन जो है वो फिर डॉन होते हैं डॉन को मुझे पकड़ो. अच्छा, बेस्ट चीज में ये कि जब डॉन अपने आप को सरेंडर करते हैं तो आके कहते हैं आज मेरी माँ तो बहुत खुश होगी. और उसके बाद ये है कि वहाँ उन्होंने हमें जगह जगह की सैर कराई है, उन्होंने हमें जो है बर्लिन दिखाया है, हमें ज्यूरिख दिखाया है. एक्शन के बारे में व्हाट्स द डिफरेंस मतलब डॉन वन और डॉन टू की, या डॉन वन और डॉन टू, हाँ इसमें जरा काफी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का इसके अंदर है, मतलब जो स्टंट्स हैं मोस्टली शाहरुख खान ने किए हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म के हैं, और जो उसमें मैट्रिक्स की तरह से डाई हार्ट और मैट्रिक्स के सारे जो है वो यूज किए हैं. मतलब मूवी प्रॉपर चलने वाली है, मूवी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत चलाऊबाज मूवी है. टॉप नहीं 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 चलाऊ माने अच्छी है, मतलब क्रिटिक्स हैव रेटेड दिस मूवी 3.5 व्हिच इज वेरी गुड, या बड़ी अच्छी रेटिंग है. उसके अलावा फिर इसमें सरप्राइज है कि जी उसके अंदर वो ऋतिक रोशन को उन्होंने डाला हुआ है, सो वो एक गेस्ट अपीयरेंस. आप फैन है ऋतिक के? थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत. आप अपने आप के फैन माशाल्लाह, मैं भी अपने आप की फेवरेट हूं. तो उसमें इसके गेस्ट अपीयरेंस डाली है, बाकी ओमपुरी है. बमन रानी हैज डन अ नेगेटिव रोल एंड ही इज प्लेड रियली वेल. लारा दत्ता है बीच में, लारा दत्ता का एक इसमें आइटम नंबर है, चल आइटम नंबर, या बेबी आइटम सॉन्ग, या सो ओवरऑल आई मीन पब्लिक ने एंजॉय किया. यहां पर हमें 3D में सॉन्ग्स कम है, हां सॉन्ग्स कम, गाने हैं ही नहीं, खाली थीम चल रही होती है उसमें एक और उसमें जरूरत नहीं थी, सिनेमेटोग्राफी बहुत जबरदस्त है इसमें, और उसमें मतलब स्टोरी वाज सो ग्रिपिंग और एक्शन टेकिंग वाज फैबुलस. तो हमने लाल बैंड के गाने डाल देते हैं, एडिट कर देते हैं, डाल दें, वैसे वो मूवी मजीद उठ जाएगी. पता नहीं चला मतलब मूवी किस टाइम खत्म होगी, और वो खत्म भी हो गई. वैसे आप लोगों को एज ए व्यूअर कैसी लगी? बहुत अच्छी. हम तो बहुत ज्यादा परेशान इसलिए हुए कि इतनी दफा बुकिंग कराना चाहते हैं, रात को 1:30 बजे का शो देखा हमने. ऊपर से 3D पे है वो, 3D पे है, दैट्स द फन पार्ट. अच्छा, यस, 3D वाज अमेजिंग. और तो साहब शो के बाद जो है ना टिकटें पकड़ते हैं, मैंने और आपने भी देखी, बाकी यहां सब देखी. नहीं नहीं, मैं भी साथ जाऊंगी. आप भी साथ जाइए, सारे दोबारा देखी जा सकते हैं, सारे चलते देखी जा सकते हैं. वी कैन गो इन अ ग्रुप, आई कैन ऑलवेज वॉच इट अगेन बिकॉज़ इट्स वंडरफुल, इट्स वंडरफुल. जैसे वो पुरानी डॉन, पुरानी डॉन जो थी उसके गानों का काफी वो खाए के पान बनारस वाला और वो सारा जो थ्रॉट, ठीक है. उसके बाद जो अभी ये डॉन 2 है, ये बिल्कुल एक डिफरेंट पैटर्न के ऊपर है, लेकिन पब्लिक उसमें करीना का भी तो आइटम बड़ा हिट हुआ था. वो कौन सा था? वो प्रियंका का था, आज की रात. हाँ, मुझे तो सब इशारे ऐसे ऐसे. हाँ, वो प्रियंका थी. सो आई मीन लाइक दे हैव डन एक्सीलेंट जॉब. अब मजीद जो आगे और मूवीज आ रही है, शाहरुख के बारे में पहले बताइएगा, मजीद शाहरुख की और कौन सी मूवीज आ रही है? शाहरुख की अभी मजीद जो है फिलहाल पाइपलाइन के अंदर कोई नहीं अभी, बल्कि इनफैक्ट करण जौहर जो है उनकी मूवी आगे रिलीज हो रही है.